नमस्कार पर्दाफाश में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ सोनाली आज बात करेंगे शाहरुख खान की क्योंकि बॉलीवुड के कई खान पर सेम योगी की नजर टेढ़ी हो गई है क्योंकि बॉलीवुड टाउन के बादशाह कहे जाने वाले ने धड़ी जो की है जी हाँ सही सुना आपने शाहरुख खान की पत्नी गौरी पर लखनऊ में एफ दर्ज हो गई है और छियासी लाख की धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा है जिस मन्नत के बाहर लाखों लोग फोटो खिंचाने आते हैं उसी मन्नत के अंदर शाहरुख और गौरी खान लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे थे तो आज पर्दा शाहरुख की पत्नी गौरी खान से उठाएंगे और आपको बताएंगे कैसे परिवार बार बार कभी तो कभी ड्रग्स तो तो के आरोप में फंसते आया है तो चलिए पर्दाफाश करते हैं खान परिवार का शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान हाल ही में मुश्किल में फंसते नजर आ रही हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस तुलसियानी बिल्डर्स की वो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई गौरी को मामले में इसलिए घसीटा गया क्योंकि वो इस कंपनी की ब्रांड अम्बेसडर है गौरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत केस दर्ज किया गया है यह शिकायत मुंबई में रहने वाले जसवंत शाह नाम के शख्स ने दर्ज कराई है मामले की बात करें तो मुंबई में रहने वाले जसवंत शाह ने तुलसीयानी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट लिमिटेड के तहत लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में एक फ्लैट खरीदा था ये फ्लैट उन्हें दिया जाना था लेकिन शख्स को बाद में पता चला कि उनका ये फ्लैट किसी और को दे दिया गया है शख्स का ऐसा दावा है कि उसने फ्लैट के पैसे तो पूरे दे दिए लेकिन इसके बाद भी उन्हें तय वक्त पर फ्लैट नहीं दिया गया जसवंत ने इसके लिए कुल छियासी लाख रुपए दिए थे शख्स का ऐसा मानना है कि उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर ही तुलसियानी से खरीदा था इसकी ब्रांड एम्बेडर गौरी खान थी इस वजह से गौरी खान का नाम भी इस मामले में आ गया गौरी के अलावा इस मामले में तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रमुख निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और साथ ही निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई जसवंत का आरोप है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई कंपनी ने वादा किया था कि अक्टूबर 2016 में वो फ्लैट का कब्जा उन्हें दे देगी। लेकिन तय समय पर कब्जा न मिलने पर कंपनी ने बतौर हर जाना बाईस दशमलव सात शून्य लाख रुपए दिए और छह महीने में कब्जा देने का भरोसा दिया गया कंपनी ने दावा किया कि ऐसा न होने पर वो ब्याज के साथ पैसा लौटा देगी इस बीच पीड़ित को पता चला कि कंपनी ने उनके फ्लैट को किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल कर बेच दिया है इसके बाद जसवंत ने बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लिया और गौरी को भी उसमें शामिल किया बात छियासी लाख रुपए की है फ्लैट रुपए का का है तो का बड़ा है तो केस अब मामला यूपी के लखनऊ में दर्ज हुआ है तो सीएम योगी की नजर अब खान परिवार पर टेढ़ी हो गई है क्योंकि पहले से ही पठान फिल्म के बाद बेशरम रंग से भगवा को बदनाम करने वाले शाहरुख खान से हिंदुओं को दिक्कत है पठान विवाद पर सवाल उठे थे कि क्यों भगवा ही बेशरम अब वही भगवा धारक सीएम योगी शाहरुख खान का बक्कल उतारेंगे और चलाएंगे उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर और धोखाधड़ी के आरोपों से अब खान परिवार बचने वाला नहीं है

बेशरम रंग को लेकर कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे थे यहां तक कि फिल्म को बैन करने तक की मांग उठ चुकी थी यूपी में भी इस पर विवाद छिड़ा था और कई हिंदू संगठनों ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर फिल्म को बैन करने की मांग उठाई थी पत्रकार सुधीर चौधरी ने सीएम योगी से एक इंटरव्यू में पूछा था कि कि आपने पठान फिल्म देखी है कि नहीं इस पर सीएम ने कहा कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान करता हूं लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब इस तरह की फिल्में आती हैं या फिर मंचन होता है तो जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए इससे पहले कई बार खान परिवार ड्रग्स रैकेट और धोखाधड़ी के मामले में जेल के चक्कर काट चुका है अपने आप को बॉलीवुड का बादशाह कहने वाले शाहरुख खान का परिवार इतनी कंट्रोवर्सीज में फंसा है या कहे पकड़ा गया है आपको बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस याद दिला देते हैं अक्टूबर 2021 में जब एनसीबी की टीम ने मुंबई के ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में क्रूज पर छापा मारा था तो उस समय आर्यन खान अरबाज मर्चेंट और अनन्या पांडे समेत कुल 20 आरोपियों को ड्रग्स के रखने के मामले में आरोपी बनाया गया था जिसमें अब एनसीबी ने कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट दायर करते हुए आर्यन खान समेत कुल छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी थी एनसीबी के द्वारा क्रूज ड्रग्स मामले में क्लीन चिट दिए जाने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था जानकारी के मुताबिक एनसीबी द्वारा आर्यन खान समेत कुल छह आरोपियों का नाम जिस कोर्ट की चार्जशीट से बाहर किया गया है उसमें बताया गया कि आर्यन खान गांजा का सेवन किया करता था एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने खुद ये बात कबूली थी कि वो अमेरिका में अपने ग्रेजुएशन के दिनों के दौरान गांजा का सेवन किया करता था एजेंसी द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार अरे नींद की बीमारी से जूझ रहा था बता दें कि एनसीबी ने मुंबई के एक अदालत में 20 में से 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिन्हें पिछले अक्टूबर में एक क्रूज जहाज पर छापेमारी ड्रग्स की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया गया था चार्जशीट से पता चला कि ड्रग ऑन क्रूज मामले में क्लीन चिट पाने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनसीबी को बताया था कि वो साल 2018 में अमेरिका में पढ़ाई के दौरान गांजे का सेवन करता था एनसीबी ने जानकारी मुंबई की कोर्ट में फाइल की गई और चार्जशीट में कुल 20 आरोपियों में से 14 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा कि चार्जशीट के अनुसार एनसीबी के सामने बयान देते हुए आर्यन खान ने स्वीकार किया था कि उसने साल 2018 में अमेरिका में गांजा पीना शुरू किया था जब वो वहां ग्रेजुएशन कर रहा था इसके साथ ही उन्होंने एजेंसी को बताया कि उसके मोबाइल फोन में मिली आपत्तिजनक व्हाट्सएप ड्रग चैट उनके द्वारा ही की गई थी इसके अलावा उसने बयान में यह भी कहा कि वो बांद्रा में एक ड्रग डीलर को जानता है लेकिन वो उसका नाम सटीक जगह फिर फिर एक एक कर देश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं भले ही उनके बेटे को क्लीन चिट मिल गई हो लेकिन क्या इसे यूथ में गलत संदेश नहीं जाता लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके गौरी खान बचना चाहती है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शाहरुख खान का घर यानी मन्नत जिसके सामने लाखों लोग रोज फोटो खिंचाते हैं आते हैं उसके अंदर बैठकर किंग खान धोखाधड़ी कर रहे हैं खैर अब सीएम योगी के प्रदेश में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है तो सीएम योगी का बुलडोजर शान का रहने वाला है पहले से ही माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर गरज रहा है अब अगला नंबर शाहरुख खान का है पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार